अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सफ़र है इस्लामाबाद टू स्वात की तरफ। इस्लामाबाद से स्वात की तरफ जाने वाला सबसे बेहतरीन जो रूट है वो मोटरवे M1 है, जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाती है। कुछ सफ़र हम मोटरवे M1 पे करेंगे जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाती है। इसी मोटरवे के साथ स्वात मोटरवे जुड़ी हुई है। आगे जाके हम स्वात मोटरवे की तरफ मुड़ जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है या मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ी मालूमात में आपको मोटरवे M1 की देता जाऊँ। इस मोटरवे की टोटल लंबाई 155 किलोमीटर है। यह मोटरवे 67 किलोमीटर पंजाब में और 88 किलोमीटर के पीके में बनी हुई है। अगर आप इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ सफ़र करेंगे इस मोटरवे पे तो इस पे टोटल 12 इंटरचेंज आती हैं, 3 बड़े पुल हैं, 10 सर्वो स्टेशन हैं, जो कि 5 मोटरवे की इस साइड पे, 5 मोटरवे की उस साइड पे। इस मोटरवे पे अगर आप इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ सफ़र करेंगे तो 186 किलोमीटर का सफ़र आप पेशावर टू इस्लामाबाद तय करेंगे। तो हमने स्वात की तरफ जाना है, तो इस्लामाबाद से स्वात के दरमियानी फासले की अगर बात करें तो 238 किलोमीटर का फासला है स्वात और इस्लामाबाद के दरमियान में। तकरीबन 113 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग कर्नल शेर खान शहीद इंटरचेंज से स्वात मोटरवे की तरफ मुड़ने लगे हैं। स्वात जाने के लिए हमें इसी इंटरचेंज से नीचे उतरना था। यहाँ से स्वात मोटरवे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो यहाँ से नीचे उतरने के बाद हम लोग स्वात मोटरवे पे सफ़र करेंगे। तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ स्वात मोटरवे, इस इंटरचेंज से उतर के स्वात मोटरवे पे हम लोग सफ़र करेंगे। जी तो दोस्तों, स्वात मोटरवे का टूल प्लाजा बिल्कुल हमारे सामने है। तो यहाँ से हम स्वात मोटरवे पे इंटर होंगे। यहाँ से स्वात 123 किलोमीटर, चित्राल 290 किलोमीटर और चकतरा 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अभी हम लोग स्वात मोटरवे M16 पे सफ़र करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी मालूमात मैं आपको देता जाऊँ। M16 भी कहा जाता है इस मोटरवे को, जो स्वात मोटरवे इसको M16 के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पे लिखा हुआ है द गेट वे टू चित्राल। इस मोटरवे पे स्पीड लिमिट की बात करें तो दूसरी मोटरवे की तरह यहाँ पर भी 120 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। तो कोशिश करें 120 की स्पीड से ना चलाएं, 100 की 80 की स्पीड से चलाएं यहाँ इस मोटरवे पे गाड़ी। इस मोटरवे के ट्रैक की बात करें तो जो इसकी ट्रैक की लंबाई है वो 81 किलोमीटर लंबा इसका ट्रैक है और इस मोटरवे पे टोटल 6 इंटरचेंज हैं।
तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ इस मोटरवे पे बढ़ रहे हैं तो ये मुझे पहाड़ों के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। जी तो दोस्तों, इस टाइम हम बिल्कुल पहाड़ों के अंदर इस मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे जाके इस पे टनल भी आने वाले हैं, तो काफ़ी ज़िगज़ैग की तरह मोड़ हैं इस मोटरवे पे। बिल्कुल एंड पे जाके इस पे जो मोड़ हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं, तो हम लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। तो यहाँ से बिल्कुल पहाड़ों के अंदर से हम लोग जा रहे हैं, ज़िगज़ैग की तरह काफ़ी मोड़ हैं इस पे। बिल्कुल हम इस टाइम इस मोटरवे पे जो टनल बनाए गए हैं बिल्कुल इनके करीब आ गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टनल किस तरह के हैं। तो यहाँ से टनल के अंदर एंटर होंगे, यहाँ से जाते हुए ये पैरेलल टनल है जिसको हम अभी क्रॉस करने वाले हैं, तो इसके अंदर एंटर होने वाले हैं हम लोग। तो इस मोटरवे का पहला टनल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, तो अगर आप 60 की स्पीड से यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे तो इस टनल में 22 सेकंड लगते हैं टोटल। बिल्कुल थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हम लोग इस मोटरवे पे जो दूसरा टनल है उसके अंदर एंटर होने वाले हैं। तो ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है इस मोटरवे का दूसरा टनल है, तो अभी इसके अंदर हम लोग इंटर होने वाले हैं, तो देखते हैं इसके अंदर कितना टाइम लगता है। ये वाला टनल बिल्कुल छोटा सा टनल है, इसको क्रॉस करने में तकरीबन 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ से बाहर निकलने के साथ ही आगे एक और टनल दिखाई दे रहा है, तो इस टनल में हम लोग इंटर होने वाले हैं। तो इस मोटरवे के तीसरे टनल में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, तो देखते हैं इस टनल के अंदर कितना टाइम लगता है। तो ये भी छोटा सा ही टनल है, तकरीबन इसके अंदर 16 से 17 सेकंड लगते हैं इसको क्रॉस करने में। इस टनल को क्रॉस करने के साथ ही सामने हमें एक और टनल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर स्वात मोटरवे टनल फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग अभी दाखिल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये इस मोटरवे का लास्ट टनल है, तो ये काफ़ी लंबा होगा, इसके अंदर दूर दूर तक हमें अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी लंबा टनल ये दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं इसके अंदर कितना टाइम लगता है। तो ये टनल कितना किलोमीटर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भी हम लोग इस टनल के दूसरे कोने पे पहुंचे हैं, तो यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, तो इस टनल के अंदर तकरीबन 1 मिनट और 6 सेकंड लगते हैं अगर आप 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। तो 1 किलोमीटर लंबा ये टनल है, जो लास्ट वाला टनल है 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आप इस्लामाबाद से स्वात की तरफ सफ़र करेंगे तो ये लास्ट वाला टनल है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, और अगर आप स्वात से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करेंगे तो ये पहले वाला टनल है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो बंद करते हैं। यहाँ से स्वात मोटरवे ख़त्म होने वाली है, सामने स्वात मोटरवे का टूल प्लाजा है, बिल्कुल शाम का टाइम है और अफ्तारी भी होने वाली है, तो आज की अफ्तारी भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो वीडियो ख़त्म करते हैं फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टूर है वो इस्लामाबाद से गिलगित का था। सैरी हमने इस्लामाबाद में की थी और अफ्तारी सवात मोटरवे पे आके हमने की है। अब यहाँ से हम सवात जा रहे हैं और सवात के बाद हम गिलगित की तरफ निकलेंगे, और हमने ये इंटरचेंज पे हमारे पास कुछ खजूरें थी, हमने उससे अफ्तारी की है, पानी है थोड़ा वो पियेंगे, उसके बाद आगे जाके खाना वगैरह खाएँगे। टाइम क्योंकि यहाँ पर अफ्तारी का हो गया था, अंदाज़ा था नहीं सफ़र का,
अब इसके बाद हम अपना अगला टूर शुरू करते हैं।